दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डनबग टाउन 3D गेम का जो इस बार नया अपडेट आया तो गेम के अंदर जो बड़े वाले एरोप्लेन है उसको चला सकते हैं क्या। जैसे कि गेम की इस बार नए अपडेट में गेम के अंदर ट्रेन आई जिसको हम रेलवे स्टेशन जाकर बहुत ही आसानी चला सकते हैं। एंड इसके अलावा गेम के सेलफोन में ट्रेन के कंट्रोलर्स मिल जाते हैं जिससे बहुत ही आसानी चला सकते हैं ट्रेन को। तो जैसे कि गेम के अंदर ट्रेन के कंट्रोलर सेलफोन में मिलते हैं तो क्या बड़े वाले एरोप्लेन का भी कंट्रोलर्स मिलने लगा है सेलफोन में। तो चलो आप लोगों को सब कुछ बताता हूं और इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताऊंगा जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता रहता हूं कि गेम के अंदर ट्रेन चलाने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। तो आखिरकार गेम के अंदर रेलवे स्टेशन मिलता कहाँ है? जैसे कि बहुत से भाई लोग हैं जिनको अभी तक रेलवे स्टेशन मिला ही नहीं गेम के अंदर और ट्रेन को चला ही नहीं पा रहे हैं। अरे तीवा भाई दूसरे लोगों को ट्रेन चलाते हुए देख के बड़े दुख होता है। तो चलो इस वीडियो में आप लोगों के सभी दुख को दूर करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो जल्दी से। और चलो आप लोगों को सबसे पहले गेम के अंदर रेलवे स्टेशन दिखा देता हूं कि कहां पास मिलता है। तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए मैंने पोर्सा कार को मंगवा लिया है क्योंकि पैदल जाएंगे ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं कार लेकर जा रहा हूं रेलवे स्टेशन। और आप लोग बाइक, साइकिल या हेलीकॉप्टर भी लेकर जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि कार ही लेकर जाएं। और मैं इस वाली कार को इसलिए लेकर जा रहा हूं क्योंकि अभी ये नई है कार गेम के अंदर और नई कार को चलाने का मजा ही अलग होता है जैसे कि आप लोगों को पता होगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गेम के अंदर जो घर मिलता है तो उसके लेफ्ट साइड में जो चौराहा है और लेफ्ट साइड में आपको डायरेक्ट रेलवे स्टेशन जाने की सड़क मिल जाती है, तो उसको पकड़ लेना, उसको मत छोड़ना, डायरेक्ट ही आप रेलवे स्टेशन पहुंचोगे। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है रेलवे स्टेशन जाने के लिए और आपको ज्यादा घूमने की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया और रेलवे स्टेशन पहुंच कर जो कार बाइक लेकर आओगे तो उसको साइड में खड़ा कर देना और ट्रेन जो खड़ी रहती है उसके गेट के पास पहुंच जाना है। और जैसे ही पहुंचोगे तो आपको ट्रेन में बैठने वाला ऑप्शन मिल जाएगा तो आप ट्रेन में बैठकर बहुत आसानी ट्रेन को ड्राइविंग कर सकते हैं। और इसके अलावा गेम के अंदर जो सेलफोन मिलता है तो उसमें भी कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। गेम के सेलफोन में सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है, बस आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा और इस ऑप्शन से गेम के अंदर जो ट्रेन मिलती है तो उसमें बिना बैठकर भी ट्रेन को ड्राइविंग कर सकते हैं। और काफी मस्त है यार ये वाला ऑप्शन। और इतने फायदा होता है कि ट्रेन चलती रहती है और दूसरी गाड़ी भी आप चला सकते हैं। चलो चलते एयरपोर्ट में, देखते हैं बड़े वाले एरोप्लेन को चला सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों फाइनली एयरपोर्ट में आ चुके हैं और जैसे कि आप लोग सामने देख पा रहे हैं बड़े वाले एरोप्लेन खड़े हुए हैं और इतने बड़े बड़े एरोप्लेन है जिसके आगे मेरी कार चींटी बोलो बोले। और गेम के एयरपोर्ट में ये बड़े वाले एरोप्लेन मिल जाते हैं दो और एक छोटा वाला एयरप्लेन मिल जाता है जिसको हम चला सकते हैं। और चलो कार से उतरते हैं और देखते हैं गेम के अंदर बड़े वाले भी एरोप्लेन चला सकते हैं इस अपडेट में कि नहीं। और जैसे कि छोटे वाले एयरप्लेन को पहले ही चला सकते थे गेम के अंदर, तो चलो गेम के अंदर जो सेलफोन मिलता है उसके सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं बड़े वाले एरोप्लेन को चलाने का कंट्रोलर मिलता है क्या। तो जैसे कि ट्रेन का कंट्रोलर दिखाई दे रहा है सेलफोन में लेकिन बड़े वाले एरोप्लेन का कंट्रोलर नहीं दिखाई दे रहा है सेलफोन में। और चलो डायरेक्ट चलते हैं एरोप्लेन के पास में, ड्राइविंग करने वाला ऑप्शन आता है कि नहीं। तो ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा जिससे हम बड़े वाले एरोप्लेन को ड्राइविंग कर सके। मतलब कि डनबग टाउन 3D गेम किस बार ने अपडेट में गेम के अंदर एरोप्लेन को ड्राइविंग करने वाला ऑप्शन नहीं आया है और ऑप्शन ही नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे बड़े वाले एरोप्लेन को चला सकते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखते हैं गेम के अंदर किस अपडेट में आता है बड़े वाले एरोप्लेन को ड्राइविंग करने वाला ऑप्शन। और इस वीडियो में इसी डाउट को क्लियर करना तो मुझे लगा आप लोग बता दो। और आप लोग कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना इसी वीडियो में जिससे कि मैं आप लोग वीडियो बनाकर बता दूं।